जहाँ रूहानी फैज़ मौजूद है वहीं इस तरह का फैज़ भी मौजूद है कि कोई किसी भी मर्ज़ में मुबतला हो अगर वो आएगा और खुलूस नीयत से आएगा तो इंशाअल्लाह वो फैज़ान और फैज़ को पाएगा। आप तमाम हज़रात जो जहाँ कहीं भी हैं सिलसिले के हज़रत के नुमाइंदे बनकर लोगों को लाइए, मुंसलिक कीजिए, उन तक ये बात पहुँचाइए, बिलखसूस ये किताब जो हज़रत फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी का महासिल है। असल में मुझे खुद जब बहुत से ऐसे वारदात गुजरे बहुत परेशान हुआ और एक दफ़ा तो मैंने उलझकर कहा कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने कुरान शरीफ खुला इतना कर पढ़ने की तफसील में ये मज़मून आया कि अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे हालात से गुजारता है कि वह आइंदा दूसरों के काम आ जाए। तो वो कलमात मेरा आपका किसी का कुछ नहीं है और जो अल्लाह का कलाम है कुराशी उनके आयात का इंतखाब है और मुझे कई जगह से क्योंकि मुझे फिर बहुत दौड़ना पड़ा अपने आसानी से कुछ चीज़ें ली जहाँ दिल बुजुर्ग का सुना जहाँ जहाँ गया और कुछ मिला वो फिर लौटाता था हजरत ने उसको किताबी शक्ल में छाप दिया। लेकिन अगर आप अकीदे से पढ़े गए तो इंशाअल्लाह ताला उन फैजान नसीब होगा। और अपने बयान में कुछ और बस करूँगा कि ये जिस्मानी बीमारी और ये गुनासम है ये सब कुछ होता रहता लेकिन अगर आप खुदा किताब वो उम्मीद होना भी शर्त नहीं है मैं कह रहा हूँ किताब ले ली और खुद पढ़े वो तो इरादत तो है वो तो कलमात काम करते हैं ना। एक हिंदू काफिर मानने लगे और जान ही नहीं करती तो इंडिया में उसे कहते हैं वो कहो जो नहीं कहते थे तो वो कलमा पढ़ता है तो रूह निकल जाती है और लोग इंसानों को जिन्नात से छुड़ाते मैंने एक दफ़ा दिन को छुड़वा दिया तो किसी ने पकड़े हुआ था मान फजुलरहमान साहब उसको पकड़ लिया था तो फिर मैंने पूछा क्या नाम है उनका शाह कहाँ रहते हैं छड्डे में रहता तो मैंने कहा मुसलमान होकर अच्छी बात नहीं है तो किस तरह है असाबी बाबा उसने पुकारा तो मैंने कहा है भी सुनी कहा तो पढ़ो कलमा लाए उससे कलमा पढ़ा तो लड़की ठीक हो गई। अब चचा कहने लगे कि उंगली ढीली छोड़ दी निकल गया मैंने घर तो उंगली ढीली नहीं छोड़ी कलमे से भेजा तो कलमे से यकीन से अगर आप कलमा पढ़ें दुआ मांगें बस करूँगा अपने बात पहली भी बात है तो हम सबको जाना है ये कलमात रहेंगे अल्लाह कलाम कदीम है और उसके असर भी दिल है यकीन के साथ पढ़िए लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालिए और जिक्र कीजिए और पढ़िए और फिर दुआ मांगिए और फिर ज़िंदगी की जद्दोजहद लगे रखिए दुआ तो करिए दुआ तो फिर भी ज़िंदगी के लिए मांगते हैं कि अल्लाह ज़िंदगी दुनिया आसान आसान करते हम आजमाइश के काबिल ही नहीं मौका हम तो मोतरफ मुजरिम हैं बख्शिश चाहते हम तो साइज हैं अदा चाहते अल्लाह कोई दाम ना कोई अल्लाह बेदा इस्तेहकाक के पूरे हम फरिश्ते के लिए मेरे रिश्ते रबी आवाज़ पर मान हो जाए तो ज़्यादा निभाने की कॉपी बता चाहती हूँ ना। एक बात है निभा मेरी बहनें भी आई हुई हैं उसको ये खसूसी पैगाम देता हूँ कि शादी होना एक बात है निभाना एक और बात है चंद दिनों की जिंदगी है निभाना चाहिए अल्लाह तारा अमीर अबिलाज हो गए कादरी अतार तवील फरमाए शहर फरमाए जो उनके मरीजी मुतालीन हैं जरूर ज़्यादा किया करें और मौका न मिल सके तो और बात है कि ज़्यादा तो मदनी चैनल के जरिए किसी जरिए ज़्यादा कर दिया करें बाकी थ्योरी कहीं पढ़ता आदमी प्रैक्टिकल कहीं करता है और मुख्तलिफ ट्यूशन कर लेता है हो ना ये सब एक ही होना चाहिए सबका भूलने वापसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
गया जी, माशाल्लाह पैसा।